हेलो, लमीर तो हैं करते मामा। मत कहो तुम मुझे मामा, मेरा अब तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता है सिर्फ मेरे शोर से। अभी आप मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम दोनों। डॉक्टर साहब, मेरे अब मेजर अटैक हुआ है, फौरी तौर पे उनको स्टैंड डालना होगा। उनको जो मैंने इंजेक्शन लगवाए थे उनका क्या हुआ? जी जी जी, मेरा भाई गया हुआ है, वो फौरन लेके आ रहा है। आप, आपको कुछ और चाहिए? आप अभी क्या करेंगे? बताया ना कि उनको फौरी तौर पे स्टैंड डलेगा और ब्लड का भी अरेंज करना है। प्लीज आप फौरी तौर पे अपने किसी मर्द रिलेटिव को कॉल कीजिए जो यहाँ पे मौजूद रहे, और हाँ, काउंटर पे फॉर्म है उस पे साइन कीजिए। जी जी, मैं कर रही हूँ डॉक्टर साहब। आप हेलो तानिया, तुम कहाँ हो? वो मैंने डॉक्टर असम रिपोर्ट शेयर कर दी हुई है। जी जी, अभी ऑपरेशन थिएटर में ही है। जी ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर तक। थैंक यू। तानिया, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? इट बी फाइन। देखो, ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, और वैसे भी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई हुई है, स्टंट टल रहे हैं। अरे तुम तो इतनी बहादुर हो, और दूसरा मैं इधर हूँ ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, पापा ठीक हो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स आलिया, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे तो एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। यू सो ब्रेव। और देखो, The only thing you can do is pray for him. तुम्हारी दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत है। I mean, राहिल को ही देख लो। उसके wounds बहुत जल्दी recover कर रहे हैं। Wheelchair पे वो घूम फिर रहा है। It'd be fine. ठीक है? बस दुआ करो। अच्छा, मुझे बताएं आप लोगों ने कुछ खाया? Please, दानियाल, ऐसा कुछ मत करना। जब तक अब्बू को होश नहीं आ जाता, हम कैसे खा सकते हैं? भाई, खाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अबू। जी अबू, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। मेरे एक दोस्त के वाले साहब की तबीयत ख़राब थी, वो इमरजेंसी में ही हूँ। जी जी, आप आना चाह रहे हैं? नहीं अबू, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ इधर, मैं मैनेज कर लूँगा। जी थैंक यू वेरी मच। आप अम्मी को बता दें मैं थोड़ा लेट आऊँगा। जी थैंक यू। अब वो आना चाह रहे थे, तुमने मना क्यों किया? शिंकाने में पे। अच्छा, तुम वेट करो, मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आता।